नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज पर और मैं आपके साथ हूं प्रवीण मिश्रा। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषियों की रिहाई मामले में दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में दाखिल की गई पीआईएल के जवाब में गुजरात सरकार ने सोमवार को अपना हलफनामा दायर किया था। 18 अक्टूबर को इस पर सुनवाई में याचिकाकर्ता ने समय की मांग की है। इस मामले से जुड़ी अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा था कि बिल्किस रेप केस में 11 आरोपियों की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर की गई है और रिहाई से पहले इस मामले में केंद्र सरकार से भी अनुमति ली गई थी। गुजरात सरकार ने कहा कि जेल में दोषियों का व्यवहार अच्छा था। राज्य सरकार ने बताया है कि इस साल 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इन लोगों की रिहाई के लिए 1992 में बनी पुरानी नीति लागू होगी। उस नीति में 14 साल जेल में बिताने के बाद उम्र कैद से रिहा करने की व्यवस्था है। यह सभी लोग 14 साल से अधिक जेल में रहे हैं, जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है, इसलिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद इनकी रिहाई की गई। गुजरात सरकार ने इस मामले में पीआईएल दाखिल किए जाने का विरोध करते हुए गुजरात सरकार ने कहा है कि यह कानून का दुरुपयोग है। किसी बाहरी व्यक्ति को आपराधिक मामले में दखल देने का अधिकार कानून नहीं देता है। गुजरात सरकार ने कहा था कि इस मामले में सुभाषिनी अली और दूसरे याचिकाकर्ताओं का कोई मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है जिससे वो पीआईएल दाखिल कर सके। याचिकाकर्ताओं का जुड़ाव राजनीतिक दलों से है, उन्होंने राज्य सरकार पर गलत आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कहा है कि इन लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत छोड़ा गया है, जबकि रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर हुई है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 15 अगस्त को बिल्किस मामले के दोषियों की रिहाई हुई थी। सीपीएम नेता सुभाषिनी अली, सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा, रेवती लाल और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने इस रिहाई से जुड़े गुजरात सरकार के आदेश को रद्द की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 25 अगस्त को तत्कालीन चीफ जस्टिस एनबी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने इस पर नोटिस जारी किया था, लेकिन अब 29 नवंबर पर सबकी निगाहें टिकी होंगी और देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है या फिर से फैसला सुरक्षित रखता है। आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ।